दूसरी बात, एंटी करप्शन की रेड हुई दियातों के अंदर, तलाटी के नाम, तलाटी एंटी करप्शन में पकड़े गए महीना डेढ़ महीना पहले, तलाटी की चौकसी के अंदर भी तहसीलदार का नाम आया हुआ है। ये दोनों प्रकरण क्यों दब गए, अब मैं इसकी इंक्वायरी करवाऊंगा, तहसीलदार के खिलाफ मैं लेटर दूंगा और इसकी मुकम्मल जांच होनी चाहिए। करप्ट ऑफिसर ये शहर में नहीं चलेगा, नौकरशाही नहीं चलेगी। दूसरी बात, ये तहसीलदार कार्यालय पूरे तालुके का एक सेंटर होता है गरीब आवाम का, हर गरीब आदमी को यहाँ आना पड़ता है। आधार कार्ड के नाम पर यहाँ पर 100-200 रुपये लिया जाके थप्पा मारने का काम किया जा रहा है, ये बंद होना चाहिए। एजेंटगिरी बंद होना चाहिए। ये तमाम ही चीज़ें जो यहाँ पर भ्रष्टाचार चल रहा है, ये बंद नहीं हुआ तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हम लोग इनके खिलाफ में ज़रूरत पड़ने पर पुलिस प्रशासन भी ये बात को नोट कर ले कि अगर आप की जिम्मेदारी ये कर्तव्य है कि भाई ऐसे आंदोलन के बीच में आना, लेकिन इनके क्या क्या भ्रष्टाचार चल रहे कम से कम इसके ऊपर भी नज़र रखना पुलिस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है। और अगर इसके बाद हम आंदोलन करेंगे लाइन ऑर्डर बिगड़ेगा, इसकी जिम्मेदारी तहसीलदार पर होगी, तहसीलदार कार्यालय के डिपार्टमेंट के सभी अधिकारियों की होगी। ये बात को पुलिस डिपार्टमेंट भी नोट करे। आज मैं तमाम ही हमारे कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का, जिम्मेदारान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग इमरजेंसी एक नोटिस के ऊपर यहाँ पर आए और हमारा जनता के लिए लड़ना, शहर की आवाम गरीबों के लिए लड़ना। और इसके लिए हमने कई डिपार्टमेंट में लेटर दिया है, मिसाल के तौर पर पावर कंपनी, सिविल हॉस्पिटल, ऐसे तमाम ही जगह पर, कॉरपोरेशन, तमाम ही जगहों पर लेटर दिया गया है। और आज 8 तारीख का तारीख समाप्त हो गई है, अब कोई तारीख नहीं दी जाएगी। अब इसके बाद अभी आज पावर कंपनी में भी हम गए, इसके बाद शहर की आवाम को जो जो परेशान करेगा डिपार्टमेंट, शहर की आवाम के लिए लड़ना और जीना ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की पॉलिसी है। आप लोगों को तो क्या ये मान लिया जाए कि जिस तांडव का आपने इशारा दिया था ये तांडव शुरू हो चुका है? लोग शाही पद्धत से आंदोलन करना उसी को तांडव बोलते हैं। और आप चाहे मीडिया वाले उसको कोई भी अर्थ निकाले, हमने जो बोला था वो हम करके बताएंगे।